अंश नगर की विकराल समस्याओं को लेकर नगर विकास मंच परिवार द्वारा आज 14 जून शुक्रवार को बाजार चौक मुख्य चौराहे पर चक्का जाम किया गया। अपनी मांगों को लेकर नगर विकास मंच परिवार के संयोजक सतीश पारख ने बताया कि मुख्य समस्या सड़कों को लेकर है। नगर पंचायत सरकार के अति विश्वास के कारण आम जनता परेशान है। ये सड़क लोक निर्माण के अधीनस्थ थी, जिसे गौरव पथ के नाम से प्रस्ताव लेकर नगर पंचायत ने अपने अधीनस्थ ले लिया और ये मामला 3 साल से अटका पड़ा है, जिसके चलते नगरवासी भारी वाहनों की आवाजाही और उड़ती धूल धक्कर से परेशान है। अब नगर पंचायत बनवा नहीं पा रही और लोक निर्माण पल्ला झाड़ रही दुर्खा महरिया उतई मार्ग चौड़ीकरण हुआ। यदि ये सड़क लोक निर्माण के अधीनस्थ रहती तो बन चुकी होती। निकाय इस भारी दबाव वाली सड़क को छोड़ किसी कम दबाव वाली सड़क को गौरव पथ बनवा सकती थी, किंतु गैर राजनीतिक लोगों के हाथ में संचालन होने से पूरी व्यवस्था बिगड़ गई है। हमारी मांग है कि यह सड़क लोक निर्माण पुनः अपने अधीनस्थ ले और दुर्धनुरा तई बनता आया हुआ मार्ग को पाटन पुल त्रिमूर्ति चौक से जोड़े, तभी मार्ग का उद्धार संभव है। दूसरी समस्या है नवीन महाविद्यालय मचांदुर को प्राप्त राशि 5 लाख का लिप्स हो जाना है। चूँकि प्रभारी प्राचार्य एम सी शर्मा है, जो उतई कॉलेज के प्राचार्य है, उनकी लापरवाही के चलते ये राशि लिप्स हुई। अतः उन्हें तत्काल निलंबित किया जाए तथा उतई महाविद्यालय जनवरी भागीदारी के भी हिसाब व्यय की जांच की जाए। ऐसे लापरवाह व्यक्ति को दुर्ग विश्वविद्यालय के कार्य परिषद सदस्य पद से तत्काल हटाने की मांग की गई है। तीसरी समस्या है भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती, जिससे तत्काल बंद किया जाए, क्योंकि बिजली कटौती से आमजन के साथ किसान भी परेशान है। चौथी समस्या है पेयजल पाइपलाइन विस्तार हेतु खोदे गए गड्ढों की, जिन्हें वर्ष बीतने के बाद भी समतल नहीं किया गया। पिछली बारिश में अनेक दुर्घटनाएं हुई, पुनः कुछ दिनों बाद बारिश का समय आ रहा, पुनः उसी तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए रात दिन भीड़ कर नगर पंचायत ठेकेदार के साथ मिलकर हर छोटी बड़ी गलियां जिसमें पाइपलाइन बिछाने सीमेंटीकरण सड़कें खोदी गई उनका समतलीकरण करवाए। पांचवी सबसे बड़ी समस्या है शराब दुकान की, जिससे उमार प्रोटी मार्ग इंदिरा नगर पर शराबियों का भारी दबाव रहता है, जिससे मोहल्ले का वातावरण पूरा खराब हो रहा है। अतः निजी भूमि मार्ग से हटाकर शराब दुकान उमार प्रोटी मार्ग शासकीय भूमि पर स्थानांतरित करने की मांग की है। पारक ने बताया कि निजी भूमि पर शराब दुकान चलाकर किराए में लाखों रुपया देकर आबकारी विभाग को अधिकारियों द्वारा क्षति पहुँचाई जा रही है, जिसमें भूमि मालिक व अधिकारियों के मिली भगत व कमीशन खोरी का आरोप सतीश पारख ने लगाया। पारख ने बताया कि इसके अतिरिक्त शुक्रवार बाजार के दिन संध्या बाजार के वक्त ग्राहकों की भीड़ बाजार व मुख्य मार्ग पर रहती है, किंतु ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू नहीं होने से भारी वाहन बाजार में घुस जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। इस और नगर सरकार व पुलिस प्रशासन का लिखित ध्यान आकर्षण के बाद भी व्यवस्था सुधारने में किसी का ध्यान नहीं। अतः शासन